आज इस पावन अवसर पे मैं फिर से अनुरोध करूंगी कि बच्चों के सामने चंद शब्द। विश्वविद्यालय के माननीय शिक्षक गण, हमारे आदरणीय अभिभावक गण और प्यारे विद्यार्थियों, एक साल पहले जो हमने एक शुरू किया था, एक नया माहौल, एक नए प्रांगण में, विशेषकर नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, उसका एक साल हो रहा है। बहुत ही शुभ दिन था, हिंदी दिवस का दिन है। इसी दिन भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी और तब से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाते आ रहे हैं, 14 सितंबर। इस पुनीत अवसर पे नेताजी हिंदी विद्यापीठ ने अपना नाम इस अवसर के साथ जोड़ लिया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इस प्रांगण में आने के बाद जो उतार चढ़ाव होते आ रहे हैं, उससे जूझना, उसे झेलना और उसे अपने साथ शामिल करके आगे बढ़ना, ये हम सबों के लिए एक मुश्किल दौर है। लेकिन कोई भी मुश्किलें आती हैं तो उसका समाधान भी निकलता है। कहते हैं ना कि बाधाओं विपदाओं को हम नहीं बुलाने जाते हैं, और अगर वो आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। तो कोई भी बाधा आए, कोई भी विघ्न आए, हमने जो बीड़ा उठाया है कि इस कैंपस को, इस प्रांगण को हम हायर सेकेंडरी तक ले जाएंगे तो ले ही जाएंगे। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करते रहेंगे और हमारे अभिभावकगण से अनुरोध है कि वो अपनी हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमारे साथ इस कदम से कदम मिलाएं, ताकि जो विद्यालय यहाँ एक समय के लिए, जो यहाँ पहले जो विद्यालय हुआ करता था, वह बिल्कुल विलीन हो गया और उस विद्यालय के जगह हमने एक नए विद्यालय को खड़ा किया है। इस विद्यालय को हम उस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि पूरे आसाम में, बल्कि पूरे देश में इस विद्यालय की छवि बरकरार रहे और हम आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। कुछ सरकारी निर्देश के तहत जब राजेंद्र विद्यापीठ एमी और हाई स्कूल को नेताजी के साथ मर्ज कर दिया गया, समाहित कर दिया गया, विलीन कर दिया गया, एक नए प्रांगण की जरूरत आन पड़ी। हालांकि उस इस विद्यालय के हमारे नेताजी में विलीन हो जाने के बाद भी हम उसी सभा बुलाई गई थी। विशेष रूप से इस प्रांगण में विगत एक साल में जो हमारा शैक्षणिक माहौल रहा है, उसके आकलन के साथ आने वाले दिनों में हम कैसे इस प्रांगण को और मजबूत करें,